गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं राजकुमार सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास दसवीं के इंग्लिश के चैप्टर दूसरे का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। दो पार्ट इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है, तीसरा पार्ट यहाँ से चालू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स ऑफ फैथ इन गॉड। इससे पहले तो दूसरे चैप्टर में था कि ये जो लेंचो था एक पत्र लिखता है और पत्र लिख करके शहर में जाता है, वहां पे पत्र पेटिका में पत्र को डालता है और वहां का जो डाकिया होता है अपने बॉस के पास उस पत्र को दिखाता है जिसमें भगवान का पता लिखा होता है और भगवान के प्रति इसका अटूट विश्वास देख करके जो पोस्ट मास्टर है वो आगे कहता है कि सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स ऑफ फैथ इन गॉड, यानी कि इसलिए इन ऑर्डर टू सेक मतलब डिगाने के लिए जो राइटर्स ऑफ फेथ मतलब जो राइटर का विश्वास था भगवान में डिगाने के लिए, यानी कि लेंचो का विश्वास भगवान में डिगाने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। डाकपाल के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर यानी कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही वह पत्र को खोला, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जब वो पत्र को खोला तो उसने देखा कि उसमें गुडविल मतलब सद्भावना को इंक एंड पेपर मतलब सद्भावना कागज और स्याही के अलावा किसी चीज की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन कह रहा है कि वह अपने रिजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव, रिजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव, वह अपने प्रस्ताव पर अधिक था। देखिए आगे दिया है कि ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से धन के लिए कहा, यानी कि अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी भी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कुछ मित्र थे, कुछ उसके ऐसे दोस्त थे जो उसकी सहायता के लिए आगे बढ़े। आगे लिखा है कि वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ऑब्लिग्ड का मतलब हो जाएगा कि वह भी अपने कुछ कृतज्ञ थे या पुण्य करना होता है। चैरिटी मतलब हो जाएगा दान, यानी कि उसके जो मित्र थे उनको भी वह अपने मित्रों को भी पुण्य के नाम पर कुछ दान देने के लिए मजबूर किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pieces, लिख रहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था फॉर हिम, उसके लिए टू गैदर मतलब इकट्ठा करना, टूगेदर मतलब एक साथ, द 100 pieces मतलब 100 pieces। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि वह किसान को मोर देन हाफ मतलब आधे से कुछ ज्यादा भेजने में ही समर्थ था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने लिफाफे में धन को रखा एड्रेस टू लेंचो, और वहां पे क्या किया कि लेंचो का पता लगा दिया। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, पत्र भी रख दिया जिसमें कह रहा है कि कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक शब्द था एज अ सिग्नेचर, जो सिग्नेचर थी गॉड मतलब भगवान की, यानी कि उसमें भगवान की सिग्नेचर का एक छोटा सा लेटर रख दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल, कह रहा है कि अगले रविवार को जो लेंचो था वो समय से कुछ पहले ही आ गया। टू आस्क मतलब पूछने के लिए इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसका कोई पत्र आया है अथवा नहीं आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, लिख रहा है कि इट वाज पोस्टमैन, यह डाकिया था हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको खुद पत्र दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि वहां का जो डाकपाल था एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, कह रहा है कि एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव ले रहा था, ऑफ द कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि का, ऑफ ए मैन एक व्यक्ति की भांति, हु हैज परफॉर्म गुड डीड, जिसने कि महान कार्य किया, यानी कि जो डाकपाल था वह एक संतुष्टि का
संतुष्टि की भांति अनुभव कर रहा था कि उसने एक नेक काम किया है, एक महान काम किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, करा कि अपने ऑफिस मतलब कार्यालय के दरवाजे पर खड़ा होकर के देख रहा था। फिर आगे दे रहा है कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मिनी मनी। यहां लिखा है कि लेंचो यानी कि लेंचो पत्र को जब देखा, धन को जब देखा तो उसे थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका अटूट विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह गुस्सा हो गया जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वह लेंचो को डिनाइड मतलब मना कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने उससे मांगा है, यानी कि सोच रहा था कि भगवान जो चीज मैंने मांगा है वो मुझे तो मना नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली मतलब तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी कि कागज और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल का मतलब होता है कि जन साधारण के लिए लिखने का जो मेज होता है। ही स्टार्टेड टू राइट, वहां पे वह अपना पत्र लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिकलिंग का मतलब होता है सिकोड़ना, ऑफ हिज ब्रो अपनी भौहों को, अपनी भौहों को बहुत ज्यादा वह सिकोड़ रहा था। लिख रहा है कि कॉज्ड बाय द इफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने की वजह से अपनी भावों को ज्यादा वो सिकोड़ रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाय मतलब खरीदने के लिए, स्टैम्प मतलब टिकट, विच ही लिक्ड जिसे उसने लिक्ड मतलब चाटा। एंड देन अफिक्स टू द इनवलप, और उसको लिफाफे पर चिपका दिया या लगा दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो मतलब प्रहार से, फिस्ट मतलब कला, यानी कि अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसने इनवलप पर उस टिकट को चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, करा कि जैसे ही वह पत्र पेटिका में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाकिया उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, उसमें ऐसा कहा गया था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, भगवान जिस रुपए के लिए मैंने, जिस धन के लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पिसोज रिच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पिसोज पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मतलब जो है शेष या बचा हुआ, यानी कि मुझे बचे हुए पैसे धन भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रो द मेल, लेकिन मुझे इसे डाक के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज मतलब जो यहाँ के पोस्ट ऑफिस के एक कर्मचारी है, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, ये बेईमानों का झुंड है। बंच का मतलब झुंड, क्रुक्स मतलब बेईमान, बेईमानों का झुंड। और नीचे उसने अपना नाम लिखा था लेंचो। इस तरह से ये दूसरा लेसन आपका समाप्त होता है।